नमस्ते, इजी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अंकिता शर्मा। आज का प्रश्न है, लगभग सभी प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथ मांस की व्याख्या क्यों करते हैं? देखिए, आज की तरह प्राचीन काल में भी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। छोटे से मध्यम मात्रा में मांस का सेवन मांस खाने वालों में लाभकर होता है। कुछ आयुर्वेदिक उपचारों में मांस के साथ आयुर्वेदिक दवाओं का भी उपयोग किया जाता है। ये दवाएं उन लोगों के लिए उपयोगी हैं जो मांस खाने के आदी हैं। उपचार में मांस की उपयोगिता का प्रमुख उदाहरण सुश्रुत संहिता में वर्णित है। आचार्य सुश्रुत लिखते हैं, परिशुष्कल्प मांसानां गंभीरानां तथैव च कुर्यात् उत्सादनीयानि सर्पिष्यान् लेपनानि च मांसाश्चीना च मांसानि भक्षयेत् विधिवन् नरः विशुद्ध मनसस्तस्य मांसं मांसेन वर्धते। यह श्लोक द्विवर्णीय चिकित्सा अध्याय से है, जहां आचार्य सुश्रुत मांसपेशियों और रक्त हानि से जुड़े घावों के प्रबंधन के बारे में बताते हैं। श्लोक का अर्थ है, परिशुष्क अत्यंत शुष्क दुर्बल दुर्बल शरीर वाले व्यक्ति में, अल्प मांसानाम बहुत कम मांसपेशियों वाले व्यक्ति में, चोट घाव युद्ध दुर्घटना आदि के कारण, गंभीरानाम तथैव च साथ ही गंभीर चोटों वाले व्यक्ति में, कुर्यात उत्सादनी यानी महामांस तेल मांस तेल आदि जैसे पौष्टिक हर्बल तेलों और अपामार्क अश्वगंधा आदि जड़ी बूटियों का उपयोग करके हथेलियों से कोमल मालिश करनी चाहिए। सर्पिष्यान लेपन आने चा घी पूरे शरीर पर लगाना चाहिए। मांसाश्चीनाश्च जो लोग मांस खाने के आदि होते हैं, विधिवन मांसानी भक्षयेत न रहा मांस खाने के लिए उचित खाना पकाने के बाद दिया जाना चाहिए। विशुद्ध मनसः रोगी का मन शुद्ध होना चाहिए। भय क्रोध अवसाद आदि से रहित रहना चाहिए। तस्य मांस मांसेन वर्धते, ऐसा करने से मांस के सेवन से उसके पेशी ऊतक में सुधार होता है। इस व्याख्या में आयुर्वेद चिकित्सकों के बीच मांस मांसेन वर्धते पद बहुत प्रसिद्ध है, अर्थात मांस खाने से अत्यधिक दुर्बल मांसाहारी व्यक्ति की मांसपेशियों की शक्ति में सुधार होता है। यहाँ दो बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। यह सभी के लिए सामान्य कथन नहीं है, यह संकेत केवल उन लोगों के लिए है जो मांसाहारी भोजन के आदि हैं। आचार्य सुश्रुत कहते हैं, मांसपेशियों की कमी के मामले में मांस अच्छा है, लेकिन इस दिन और उम्र में हम में से अधिकांश के लिए अधिक भोजन और भोजन की प्रचुरता मुख्य समस्या है, ना कि भोजन की कमी। हमने सीखा है कि मांस मांसपेशियों के ऊतकों में सुधार करता है, लेकिन अगर मांस का अधिक सेवन किया जाए तो क्या होगा? वहीं मांस अधिक मात्रा में खाया जाए तो शरीर में पेशी ऊतक के खराब होने का कारण बन सकता है। अधिमांस अर्बुदा अर्शो अधिजिह्वा उपजिह्वा उपकुशा गलशुंडिका अलजी मांस संघात ओष्ठ प्रकोप गलगंडा गंडमाला प्रभृतयो मांस दोषजाः। आचार्य सुश्रुत फिर बताते हैं कि मांसपेशियों के खराब होने से अधिमांस मांसपेशियों की अत्यधिक वृद्धि, अर्बुद कैंसर ट्यूमर, अर्शस बवासीर, अतिजिह्वा एडेनाइटिस, उपजिह्वा लार्केस सिस्ट, उपकुशा मसूड़े की सूजन, गलशुंडिका उला का इजाफा, अलजी कॉर्नियल अल्सर, मांस संघात तालू का ट्यूमर, ओष्ठ प्रकोप होठों की सूजन, गलगंडा गंडमाला सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस आदि। मांसाहारी खाद्य पदार्थों के अत्यधिक सेवन से कैंसर का विकास होता है। हम विशेष रूप से विकसित देशों में खाद्य बहुतायत की दुनिया में हैं। ऐसे कई शोध पत्र हैं जो मांस की खपत को सीधे कैंसर से जोड़ते हैं। एक उदाहरण यह भी है, मांस कम करना और आहार में अधिक सब्जियों को शामिल करना दीर्घायु से जुड़ा हुआ है। इस तथ्य पर फिर से अनगिनत शोध पत्र हैं। यहाँ एक उदाहरण है, अधिक मांस की खपत जलवायु परिवर्तन जैसे अन्य मुद्दों से भी जुड़ी हुई है। इस सब को ध्यान में रखते हुए यह उचित समय है कि हम अपने मांस की खपत को कम करें या बंद करें और संसाधित परिष्कृत खाद्य पदार्थों से परहेज करते हुए बहुत सारे नट्स बीन्स फल अनाज आदि के साथ एक स्वस्थ शाकाहारी आहार अपनाएं। एक मांस खाने वाले के लिए अचानक मांस छोड़ना बहुत उचित नहीं है। मेरे कई क्लाइंट्स जिन्होंने अचानक मांस छोड़ दिया अत्यधिक थकान और शक्ति के नुकसान की शिकायत करते हैं।
आचार्य वाग्भट्ट ने समस्या का समाधान प्रस्तुत किया है। पादेन अपथ्य अभ्यस्तम पाद पादेन वा त्यजेत निषेवेत हितम तद्वत एक द्वित्री अंतरी कृतम अपथ्यम अपि ही त्यक्तम शीलतम पथ्यमेव वा सात्म्य असात्म्य विकाराय जायते सहसा अन्यथा। इसका मतलब है कि अस्वस्थकर भोजन की आदतों को धीरे धीरे एक चौथाई तक कम किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए सप्ताह के बाद सप्ताह, महीने के बाद महीने और स्वस्थ भोजन की आदतों को उसी तरीकों से अपनाया जाना चाहिए, सप्ताह के बाद सप्ताह, महीने के बाद महीने। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो एक सप्ताह में 1000 ग्राम मांस का सेवन करता है, उसे शुरू में इसे 750 ग्राम तक करना चाहिए। इस राशि का सेवन पहले सप्ताह या माह में करना चाहिए। दूसरे सप्ताह या माह में राशि को और कम करके 500 ग्राम कर देना चाहिए। तीसरे सप्ताह या माह में इसे घटाकर 250 ग्राम तक कर देना चाहिए। अस्वस्थकर खाद्य पदार्थों का अचानक रुक जाना, जिसके लिए व्यक्ति पहले से ही आदि है, कई बीमारियों को जन्म देता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया easyayurved.com पर जाएं।